hello student uh, good morning as you know that uh, i have completed the lesson of lesson 55 today we have discussed about the lesson 56 harvest festivals of the world in this chapter uh, we have studied about the some harvest festivals of the world Okay, now see, every nation or civilization in the world celebrates the harvest of their crops by thanking Mother Nature and enjoying festivals at different times of the year. Several festivals around the globe are celebrated with great pomp and show to celebrate a good harvest are here a few prominent uh, harvest festivals of the world are given now we have discussed uh, by one by one first uh, is uh, see first number first festival is thanksgiving thanksgiving uh, harvest festival celebrated in canada and uh, when you know that uh, this festival celebrated ऑन सेकेंड मंडे आपका अक्टूबर अक्टूबर के महीने में सेकेंड मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है रीजन रीजन वाई दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट ऑफरिंग ग्रैटिट्यूड प्रेयर फैमिली फेस्ट्स एंड यू नो दैट दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कैनाडा नाउ सेकेंड नंबर सेकेंड हार्वेस्ट फेस्टिवल इज Uh, second is the Fiesta uh, National Day Law, Venetia, and uh, you know that uh, this language related to the Argentina. Uh, okay, that's why it's different. And this is festival cele celebrated in Mandoja and Mendoza situated in Argentina country. You know that Argentina country is situated in South America continent, and uh, this uh, festival celebrated in. सेलिब्रेटेड फ्रॉम जनवरी टू मार्च जनवरी से लेकर मार्च तक सेलिब्रेट किया जाता है एंड दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द क्रेप हार्वेस्ट ग्रेप का हार्वेस्ट ग्रेप क्रॉप जो ग्रेप जो फ्रूट्स होता है फ्रूट क्रॉप इसको हार्वेस्ट करने के बाद इस खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है फिस्टा नेशनल डी ना डी ला विया नाव नेक्स्ट थर्ड नंबर राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल एक्चुअली राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बाली इंडोनेशिया दिस प्लेस बाली सिचुएटेड इन इंडोनेशिया एंड दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फ्रॉम मे टू जून मई से मई से मई से लेकर के जून तक सेलिब्रेट किया जाता है एंड रीजन बालिनेश राइस हार्वेस्ट इस जो राइस क्रॉप जब कंप्लीट हो जाता है हार्वेस्ट करने के बाद इस खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है ओके राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल ओके नाउ नेक्स्ट एंड फोर्थ नंबर चंदावरी फ्रूट फेस्टिवल एंड चंदावरी फूड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड से इन थाईलैंड एंड दिसब्रेट ये फेस्टिवल इन ऑफ कब मनाया जाता है मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून मई के फर्स्ट लास्ट मंथ में लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है और ये क्यों कर, किया जाता है फ्रेश फ्रूट्स प्रोड्यूस जो फ्रेश फ्रूट होते हैं उसको प्रोड्यूस मतलब उसको जब क्राप्ट तैयार हो जाता है तो उसकी उपले उपलक्ष में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है फोर्थ नंबर शाबुरी चंथावरी फूड फेस्टिवल नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल एंड फिफ्थ नंबर इज अ Uh, very famous next number, Shukot Shukot festival. Shukot festival celebrated in Israel, Israel, country, a very small country, and this country situated in uh, Asia continent and Israel country. एंड दे दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट इन बिटवीन लेट सेटम्बर और अर्ली अक्टूबर ये सितम्बर महीने के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर uh, महीने के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है एंड ये जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होने के बाद गॉड को जो थैंक्स बोलने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ओके थैंक्स गिव यूंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओके एंड दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इजराइल ना नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर ओलिवा गैंड मैगनॉन फेस्टिवल दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इटली इटली एंड दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नवम्बर मंथ एंड फॉर द रीजन किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है ओलिव प्रोडक्ट जो ऑली प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट होने के बाद उस किसी भी इस सेबरेट इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है ओके नाउ नेक्स्ट लेसन लेसन फिफ्टी सेवन मैग्निफिसेंट ब्रिज इस वर्ड में बहुत सारे ब्रिज बने हुए हैं कुछ ब्रिज ऐसे हैं जो अपने आप में यूनिक है अपने आप में एक आप कह सकते हो यूनिक है क्योंकि ऐसा आपको ब्रिज कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलेगा तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे ब्रिज के बारे में स्टडी करेंगे जो अपने आप में एक यूनिक ब्रिज है मॉडर्न ब्रिज आर द मैन मेड मार्ब मार्वल्स विच आर वन ऑफ द हैंड मेमोराइज पीपल बाय देयर आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड on the other is communication thereby becoming landmark of cultural and historical historical importance here some uh, six uh, magnificent bridge uh, bridges are given now we have discussed one by one and uh, first uh, is first number first number a uh, very unique uh, bridge the helix bridge द हेलिक्स ब्रिज दिस फेमस ब्रिज ऑफ सिंगापुर ये ब्रिज जो है सिंगापुर में सिचुएटेड है टू थाउजेंड टेन में बन के तैयार हुआ था तब से ये लगातार कंटिन्यू वर्क कर रहा है एंड इज द लार्जेस्ट पेडिस्ट्रियन ब्रिज ऑफ द कंट्री इट कनेक्ट द मेरा सेंटर विथ द वे फ्रांट एरिया एंड दिस beach uh, the helix beach situated in singapore okay very small country singapore bu but you know that this is a developed country very developed country okay now second number the heartland covered bridge and uh, the heartland covered bridge is located in canada and is uh, the world's longest bridge covered at uh, 1282 फीट इन लेंथ इसकी जो टोटल लेंथ है लंबाई है 1282 फीट है और ये कवर्ड है पूरी तरह से ऊपर से ढका हुआ है एंड इट इज मेड ऑफ सेवन स्मॉल हो टू ब्रिजेन्स कनेक्टेड इन अ रो एंड इज बिल्ट ऑन द सेंट जॉन रिवर इन शोमर willie and this uh, uh, this means uh, the the heartland covered bridge situated in canada now next uh, next bridge now next uh, third number sunnyberg sunnyberg bridge and the sunnyberg bridge uh, was built in switzerland in the year 1998. ये सनी सनीबर्ग ब्रिज स्विट्जरलैंड में बना था और ये जो है 1998 में बना था एंड इट इज़ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ द लैंड क्वार्ट रिवर वैली नीवर द क्लस्टर्स दिस ब्रिज वॉज अवार्डेड द आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर अवार्ड इन 2001 ये इसकी बनावट के कारण इनको जो है अवार्ड भी मिला था 2001 में फॉर इट्स मार्वेलस आर्किटेक्चर डिजाइन एंड स्ट्रक्चर इसकी जो है बनावट इसकी जो, जो स्ट्रक्चर है अपने आप में यूनिक है इसके कारण इनको अवॉर्ड मिला था इस ब्रिज को अवार्ड दिया गया था 2001 में ओके एंड दिस ब्रिज मीन्स दिस ब्रिज मीन्स थर्ड नंबर सनीबर्ग बर्ग ब्रिज सचुएटेड इन स्विट्जरलैंड एंड यू नो दैट स्विट्जरलैंड इज अ वेरी ब्यूटिफुल country in the world and this country situated in europe continent now next next and fourth number vasco da gama bridge and uh, vasco da gama bridge is uh, 10 miles long 10, mile, 10 miles long and connected the north portugal to the southern part of the कंट्री हैज बिन फंक्शनल सिंस नाइन्टीन नाइन्टी एट ये जो है ब्रिज नाइनटीन नाइन्टी एट से ही बना हुआ है तभी से काम कर रहा है इट इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड ऑफ होल लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द होल ऑफ यूरोप यूरोप का ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है एंड द फॉगी डे इट बिकम्स डिफिकल्ट टू व्यू द अदर एंड ऑफ द ब्रिज जब फॉगी डे होता है जब फॉग कंडीशन आती है तो दूस, आ, इस ब्रिज का अदर इंड आप नहीं देख सकते हैं ओके एंड दिस ब्रिज मीन्स वास्को गामा ब्रिज सिचुएटेड इन पुर्तगाल कंट्री और नेक्स्ट एंड फिफ्थ नंबर गेट मिलेनियम ब्रिज गेट दिस ब्रिज वाज डिजाइन बाय द गेफोर्ड एंड विकिंसन आयर्स द bridge is unique as its structure is tilted. tilted make it one of its kind in england. it is built across the river of tyne, connecting newcastle to get set. and get you know that uh, get set millennium bridge situated in england. okay? and this is a, a very unique structure. okay? and they connect uh, the new castle to get set 58 unique structures uh, and some buildings are very very unique uh, structure and here uh, six uh, unique structures are given now we have discussed about one by one okay now first number first uh, house is a mind house and uh, this beautiful structure was created by the gaudi in the park of gal of barcelona and give an impression of a fairy tale dwelling इसकी जो है structure आप देख रहे हो अपने आप में unique है और इसकी जो है जो tale है वो fairy tale dwelling है जिसके कारण फेमस है आप अपने, में अपने एक इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है एंड दिस द माइंड हाउस सिचुएटेड इन बार्सिलोना एंड बार्सिलोना यू नो दैट बार्सिलोना सिटी इज सिचुएटेड इन स्पेन कंट्री ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट वेरी वेरी फेमस द कंसास सिटी पब्लिक लाइब्रेरी द कंसास सिटी पब्लिक लाइब्रेरी बिल्ट इन 2004 इसको 2004 में बनाया गया था दिस यूनिक आर्किटेक्चर शो केसेस द स्पाइंस ऑफ ट्वेंटी टू फेमस बुक्स ऑन द आउटर वाल इसके आउटर वॉल जो बाहरी दीवाल है इसके ट्वेंटी टू जो फेमस बुक है उसको प्रिंट किया गया है बुक स्ट्रक्चर को बाहरी वाल पर बुक के जो शेप है उसको दिया गया है मेकिंग द रीडर्स वंडर वाट लाइन्स विद इन दिस बिल्डिंग लोकेटेड इन कंसास सिटी एंड दिस इज़ अ व वेरी वेरी फेमस एंड यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफ़ द वर्ल्ड एंड दिस दिस स्ट्रक्चर यूनिक स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन कंसास सिटी नाउ नेक्स्ट एंड नेक्स्ट नंबर द थर्ड नंबर शोलोमन आर गुडेहीम म्यूजियम गुडेहीम म्युजियम एंड लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी एंड यू नो द न्यूयॉर्क सिटी सिचुएटेड इन Uh, usa or united states of america this museum is an example of modern architecture and the double spiral staircases attract people from across the world frank lloyd wright designed this unique structure to exhibit modern of contemporary art form टू द जनरल पब्लिक इसकी जो स्ट्रक्चर है अपने आप में यूनिक स्ट्रक्चर है जिसके कारण जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है इसकी जो बिल्डिंग है अपने आप में एक मॉडर्न आर्किटेक्चर की जो है फॉर्म है दिखाया गया है और ये जो है ये ये बिल्डिंग मींस आपका जो है शोलोमान आर गुनेनहीम म्यूजियम सचुएट इन न्यूयॉर्क इस सिटी नाव नेक्स्ट नाव नेक्स्ट और नेक्स्ट फोर्थ नंबर नेशनल ग्रांड थिएटर नेशनल ग्रांड थिएटर सिचुएटेड इन बीजिंग चाइना कंट्री दिस यूनिक बिल्डिंग इमर्ज लाइक अ आइसलैंड इन द हार्ट ऑफ बीजिंग एंड इट इज एंड इट इज डिजाइंड इन द शेप ऑफ ए इसका जो शेप है एक के शेप में बनाया गया है और ये जो है आ, दिखता है जैसे ये कोई आईलैंड है एंड दिस इज अ हार्ट ऑफ बीजिंग एंड मेड अप ग्लास एंड टाइटेनियम बाई द फेमस आर्टिटेक्ट पॉल एंड्रो पॉल एंड्रू ने बनाया है और इसको बनाने में जो यूज हुआ है वो ग्लास और टाइटे एंड इट इस वेरी यूनिक बिल्डिंग द ग्रेड थिएटर सिचुएटेड इन बीजिंग ओके चाइना फिफ्थ नंबर शूट ओलार्ड शूट ओलार्ड एंड दिस रोटेटिंग स्काई क्रैपर इज़ लोकेट इन ब्राज़ील ये जो है रोटेट मतलब आपका जो है स्पाइनिंग स्काई क्रैपर है जो ब्राज़ील कंट्री में सचुएटेड है एंड इट इज़ डिजाइन बाय द डेविड फिशर इसको डेविड फिशन ने डिजाइन किया था इट यूनिक फीचर दैट एवरी फ्लोर रोटेट्स एक प्रत्येक जो एवरी फ्लोर है वो रोटेट है स्पाइन है इनडिपेंडेंटली इट। जिसको आप हर बार जब देखोगे तो अपने आप में एक हर बार डिफरेंट लुक इसको समझ आया क्योंकि हर फ्लोर ये रोटेशन स्पिन में बनाया गया है रोटेशन में बनाया गया है एंड दिस Uh, this uh, rotator uh, skyscraper situated in brazil brazil country okay now next number next number uh, six number and uh, turning torso turning torso and uh, this considered to be the first twisted skyscraper skyscraper in the world twisted मतलब दो आपस में मिले हुए हैं जैसे उलझे हुए हैं और ये ट्विस्टेड स्काई स्क्रैपर है बिल्डिंग है और सिचुएटेड इन स्वीडन ये जो आपका टर्निंग टोर्सो बिल्डिंग है ट्विस्टेड स्काई क्रैपर है ये स्वीडन कंट्री में सिचुएटेड है दिस बिल्डिंग इज द वन हंड्रेड नाइन्टी मीटर्स वन मीटर टॉल एंड हैज़ 54 स्टोरीज एंड 147 अपार्टमेंट्स इन दिस बिल्डिंग ओके and uh, turning torso situated in Sweden country okay Next, 7th number Crooked House uh, this is a very unique uh, building Crooked House and Crooked uh, House situated in Poland this building in uh, Poland has a very strange shape it different look it looks quite uh, twisted and uh, crooked इसका मुड़ा हुआ ट्विस्टेड एक दूसरे से जो है जैसे ट्विस्ट किया हुआ है मुड़ा हुआ है और एक दूसरे से जैसे कंप्लीटली जो है मिक्स समझ आता है इट हैज़ मेनी ऑफिस इसमें बहुत सारे ऑफिस हैं शॉप्स दुकानें हैं एंड रेस्टोरेंट्स इन साइड इट इसके अंदर आपको रेस्टोरेंट शॉप ऑफिस देखने को मिलेगा एंड इट्स अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन पोलैंड ये एक टूरिस्ट स्पॉट है पोलैंड का और ये जो है बहुत सारे टूरिस्ट इस बिल्डिंग को देखने के लिए आते हैं दिस क्रूक्ड हाउस मीन्स हाउस सिचुएटेड इन पोलैंड कंट्री स्टूडेंट टेक कॉपी एंड पेन एंड राइट होमवर्क एंड होमवर्क इज राइट एंड लर्न एक्सरसाइज ऑफ लेसन 56, 57 एंड 58। ऑल एक्सरसाइज यू हैव टू राइट एंड लर्न लेसन 56 57 and 58 in proper way okay and uh, you have to complete all exercise of that lesson in proper way thank you for watching this video and in comment box you have to write name class and section for your attendance thank you thank you god bless you thank you